एसएन टीवी न्यूज़, आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। सांस लेने में तकलीफ के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में भर्ती कराया गया है। बीती रात 2 बजे के करीब अमित शाह को एम्स के ओल्ड प्राइवेट वार्ड में भर्ती किया गया है। झारखंड में लगातार 3रे दिन में पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडियन ऑयल के मुताबिक 18 अगस्त को पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 11 पैसे बढ़ी है। 17 अगस्त को भी पेट्रोल की कीमत में लीटर 11 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पहले 16 अगस्त को प्रति लीटर कीमत में 9 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नई दर सुबह 6 बजे से लागू होगी। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। हर दिन संक्रमितों के रिकॉर्ड मामले सामने आने के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से 50,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,47,663 हो गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल की एकरा विधानसभा सीट में तृणमूल कांग्रेस विधायक शमशेर दास की सोमवार को कोरोना वायरस की वजह से मौत हो जाती है। कुछ दिन पहले ही उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। 76 साल शमशेर दास पूर्वी मिदनापुर में एक अस्पताल में भर्ती थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कल आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 2 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। बारामूला में कल आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 पुलिसकर्मी की जान चली गई। अब तक 2 आतंकवादी मारे गए। गोविंदपुर थाना पुलिस ने जामताड़ा जिला के कर्माताड़ निवासी 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 1,17,000 रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और 1 ATM कार्ड बरामद किया है। अपराधियों में इरशाद अंसारी, मुजाहिद अंसारी एवं कलीमुद्दीन अंसारी शामिल है। लोयाबाद थाना क्षेत्र में 28 वर्षीय बेरोजगार युवक पूर्णा भुलिया ने घर में गले में रस्सी से आत्महत्या।